चलते हैं हम लोग भगवान भोलेनाथ पे जल चढ़ाने के। भोले बाबा जी दर तेरे में आया जी। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे दोस्तों। मैं मूडी मैन, आप सबका दोस्त और इस वीडियो का होस्ट, आप सबका स्वागत करता हूँ और एक नए ब्लॉगिंग वीडियो में। जैसा कि थर्सडे से सावन का महीना चालू हो जाएगा, तो मैं भी एक शिव भक्त हूँ, तो मैंने भी यही सोचा है कि मैं भी आज से हर दिन जब तक सावन ख़त्म नहीं हो जाता तब तक मैं जाऊँगा और भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ाऊँगा और उनसे आने वाले फ्यूचर के लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स मांगूँगा और पास्ट मैंने जितनी भी गलतियाँ की हो जाने अनजाने में उन सब के लिए उनसे माफ़ी मांगूँगा। तो बने रहो मेरे साथ और वीडियो देखते रहो। अब मैं जा रहा हूँ नहाने, फ्रेश होने और उसके बाद हम चलेंगे भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ाने के लिए। सो गाइस, अब हम नहा धोकर हो गए हैं रेडी, तो अब चलते हैं हम लोग भगवान भोलेनाथ पे जल चढ़ाने के लिए। चलिए। भोले 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 महादेवा। मपियाची घर गोरा मेला चिरेंदी जी, मेला चिरेंदी बिच शमशान रंदा भोलेनाथ जी। सर से तेरे बहती गंगा, काम मेरा वो जाता चंगा, नाम तेरा जो लेता ता ता। महादेवा नरे 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 ना नरे 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 ना। ओ मेरा भोला है भंडारी, करता नंदी की सवारी, शंभुनाथ रे ओ शंकर नाथ रे। ओ गोरा भांग रगड़ के बोली, तेरे साथ भूतों की टोली, मेरे नाथ रे ओ शंभुनाथ रे। ओ भोले बाबा जी दर तेरे में आया जी, झोले खाली लाया जी, खाली झोली भर दो जी। भोले बाबा जी दर तेरे में आया जी, झोले खाली लाया जी, खाली झोली भर दो जी। महादेवा डम डम बज तो जाए रे ओ महादेवा। काले आसर पा बड़ा मेरा बोले बाबा, शिखर कैलाश तेरा डेरा। जो हमारा जल ढारने का काम था वो हो गया कंप्लीट और मैंने भगवान से हम सब के लिए कुछ ना कुछ मांग लिया है, तो बस आप देखते रहिए आगे। अभी तो मैं जा रहा हूँ घर और मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर में। ओम नमः शिवाय। सो अब हम घर अपना पहुँच चुके हैं और जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए, उसके बाद जाकर प्रैक्टिकल बनाना है। सो कीप वॉचिंग। सो गाइस, यहाँ पर एक छोटा सा प्रॉब्लम हो गया है, मम्मी बहुत बिजी है, तो मम्मी बोल रही है कि आज ब्रेकफास्ट नहीं बनेगा, तो हमें जाकर बिस्किट लाना पड़ेगा और वही आज का ब्रेकफास्ट। तो चलो चलते हैं बिस्किट लाने के लिए। सो गाइस, मम्मी बहुत बिजी है क्योंकि सावन आने वाला है थोड़ी दिनों में, से मम्मी पूरा साफ़ सफाई में बहुत ही व्यस्त है, तो मम्मी ने बोला कि आज ब्रेकफास्ट नहीं बनेगा तो जाकर बिस्किट ले आओ, तो बिस्किट ही आज का हमारा ब्रेकफास्ट। सो गाइस, अब हमने अपना शॉपिंग जो करने आए थे बिस्किट वगैरह का और कुछ खाने के स्टफ्स के, वो हमने कर लिया है और हम घर जा रहे हैं वापस। जाकर आज बहुत ही मेहनत करनी पड़ेगी, सारे प्रैक्टिकल्स वगैरह बनाने पड़ेंगे।
सो गाइस हमारा ब्रेकफास्ट हो चुका है कंप्लीट और अब मैं जा रहा हूँ अपना प्रैक्टिकल बनाने के लिए। तो ये छोटा सा क्लिप आप लोगों के लिए। अभी दोपहर के 2:30 बज चुके हैं और मैंने अपना प्रैक्टिकल में जो डायग्राम ड्रॉ करना था वो मैंने टोटली कंप्लीट कर लिया है। अब बस मुझे उसके बारे में लिखना बचा है, उसके बाद मेरा प्रैक्टिकल कंप्लीट, उसके बाद मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और अभी मैं जा रहा हूँ लंच करने, लंच करने के बाद आपसे मिलता हूँ थोड़ी देर में, तब तक आप देखते रहो। और एक और बात, अगर आपने मेरे पुराने व्लॉग्स नहीं देखे तो वो भी जाके देखो, वो भी बहुत अच्छे बनाए हैं। और आज का गाना कैसा लगा जो मैंने आज मंदिर में गाया था वो आप बताना कमेंट में। सो चलता हूँ, थोड़ी देर बाद मिलता हूँ आपसे। सो गाइस अभी हमारा लंच हो चुका है कंप्लीट और मम्मी ने बहुत ही टेस्टी दाल चावल और भुजिया बनाई थी। तो अभी हम लोग हो रहे हैं बोर और देखने जा रहे हैं टीवी। तो टीवी में तो यूजुअली हम लोग, पहले जब मैं व्लॉगिंग नहीं करता था तो मेरे घर में दिन भर तारक मेहता का उल्टा चश्मा चलता रहता था। बट अब जब मैं व्लॉगिंग करने लगा हूँ तो बहुत ही कम टीवी देखता हूँ, लेकिन जब भी टीवी देखता हूँ तो देखता हूँ कि आप लोग को कुछ और नया दे सकूँ या फिर आप लोग के लिए कुछ नया सोच सकूँ, यही उस पर सर्च करता हूँ। मुझे ऐसे कोई व्लॉगिंग का एक्सपीरियंस तो है नहीं, बट मैं अभी बहुत कुछ करना चाहता हूँ, बहुत सारे सपने हैं मेरे, तो उनको पूरा करने के लिए अभी तो बहुत टाइम लगेगा और उससे भी ज़्यादा मुझे हार्ड वर्क लगेगा। तो मैं अब जो भी कुछ हो जाए ये हार्ड वर्क अपना पूरा 100% दूंगा और कंटिन्यू वीडियो अपलोड होते रहेंगे डेली। सो कीप वॉचिंग एंड मिलता हूँ थोड़ी देर बाद आपसे। सो गाइस अभी बज चुके हैं शाम के 5:30 और मैंने डिसाइड किया है कि चलो कहीं बाहर से घूम के आते हैं। अभी शायद थोड़ी बहुत बारिश भी हुई थी इधर से तो मौसम काफ़ी अच्छा हो गया। मैं आपको थोड़े नज़ारे दिखाता हूँ। सो ऐसा हो रहा है यहाँ का कुछ नज़ारा। तो हमने डिसाइड किया है कि अभी मैं जा रहा हूँ यहाँ का बिहार शरीफ का एक प्लेग्राउंड जिसका नाम है शरम कल्याण। तो वीडियो एंजॉय करो। तो बहुत ही जल्दी हम लोग शरम कल्याण पहुंचने वाले हैं और बहुत ही सुंदर सा मैदान बन गया है अब। तो गाइस अब हम लोग को एक परफेक्ट प्लेस मिल गया है यहाँ पर से। मैं आपको बताता हूँ अपने कुछ बातें बहुत अच्छी अच्छी है कि जब मैं स्कूल में पढ़ता था मैं तब मैं यहाँ पे खेलने कूदने आया करता था अपने दोस्तों के साथ। बट अब तो ना दोस्त रहे और ना ही और कोई, तो मैं घर से बाहर भी नहीं उतना निकलता हूँ कि इधर खेलने आ सकूँ। लेकिन आज बहुत दिनों के बाद मैं घर से बाहर आया हूँ और देखता हूँ तो क्या ये तो पूरा चेंज हो गया है। पहले ऐसा नहीं था, पहले इतना क्राउड नहीं था, लेकिन अब इतना क्राउड हो गया। आपको मैं दिखाता हूँ, बहुत ही ज़्यादा क्राउड है। गाइस अब हो गया हमारा घूमना आज का कंप्लीट और अब हम जा रहे हैं अपने घर वापस। तो गाइस अब हम आधे रास्ते पहुंच चुके हैं, अब बहुत जल्दी हम घर पहुंच जाएंगे। तो आपसे मिलते हैं जल्दी से घर पहुँच कर। सो गाइस अब मैं घर वापस आ चुका हूँ और अब जा रहा हूँ मैं वीडियो एडिट करने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना और तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। राधे राधे।